जय सिया राम हरिओम। ये सब शिरोमणि आसाराम बापू फिर से आज ही गए हैं एम्स। फोटो है देख रही है, यही चलता रहेगा। बापू एम्स गए हैं वो परसों, पिछले बीते 2 दिन में हमने थोड़ी चर्चा की थी, निर्मला जी के साथ किया था और बम बम जी भी आए थे और हमने बताया था कि बापू की तबीयत ठीक नहीं है और जो कुछ हो रहा है वो नैतिक आधार पे नहीं हो रहा है। वो एक बीमार आदमी का जो इलाज है, जो उनका उनका शरीर है उसके हिसाब से नहीं चल रहा है, वो एक कानूनी हिसाब से चूंकि बीमार है तो अस्पताल जाना चाहिए। बहुत मतलब हमने कहा था कि षड्यंत्र है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि हम तभी आते हैं जब कुछ मुद्दा होता है और बापू के लिए आते हैं। उन्हें सनातन का संत मानते हैं, मुझे लगता है कि ये जो षड्यंत्र है किसी एक का नहीं है और बहुत बड़ी ताकत है, नहीं तो माधव बाग में जैसे तैसे रामचंद्र भट्ट के माध्यम से ही तो हासिल हो गई था, पेरोल हासिल हो गया था। बाप वहां चले गए थे, पहले एक हफ्ता रहे थे, स्वस्थ हो रहे थे, तस्वीरें आ रही थी, वो घूमने लग गए थे, पहले 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट 20 मिनट 25 मिनट वो साइकिलिंग करने लगे थे बैठ के, है ना, वो जो जिम में जो होता है घूमने वाला, चलने वाला, टहलने वाला, वॉकिंग मशीन उस पे चलने लगे थे। तो ऐसा लगा कि डॉक्टर का जो प्रिस्क्रिप्शन होगा उसके आधार पे कम से कम 90 डेज का तो पेरोल उनको मिल जाएगा। लेकिन जो भी मीरचंदानी जी लोग हैं, जो उनके आसपास के लोग हैं, वहां तो फिर तस्वीर में भी देखी, नीता उत्ता जी भी पहुंच गई थी, 5 दिन का पेरोल करिए, रामचंद्र भट्ट को शायद मजबूर किया गया होगा कि 5 दिन का पेरोल मांगो, और जब पेरोल मांगने के लिए गए थे तो उसे पहले टिकट कटा ली गई थी। तो 5 दिन का पेरोल जो जज दे सकता था वो तो कुछ मतलब डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को डिनाई करके कौन सा ऐसा जज है, कौन सा ऐसा कानून है कि पेरोल मना कर सकता था। अगर डॉक्टर कहता कि इनको 3 महीने की जरूरत है इस हॉस्पिटल में, इनका इलाज चलेगा तो होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जबकि राघवन जी का प्रिस्क्रिप्शन है, राघवन जी के प्रिस्क्रिप्शन वो स्टेरॉइड की बात है, राघवन जी ने अपने लिखित तो उस प्रिस्क्रिप्शन में जो था मैंने आप लोगों को दिखाया भी था और कहा भी था, कहा था कि अगर इनको स्टेरॉइड मिलता रहेगा तो हम इनका इलाज नहीं करेंगे, इनका इलाज इस तरीके से है ना, ये तो स्लो पॉइजन है और डेथ की तरफ ले जा रहे हैं लोग, खैर डेथ की तरफ ले जा रहा है था उन्होंने नहीं कहा था, लेकिन ये कहा था कि अगर स्टेरॉइड दिया जाता रहा तो। फिर इन लोगों ने मतलब कहते हैं कि जिस जज ने पेरोल देने के लिए इतनी लंबी बहस की, 20 दिन तक उसे जजमेंट में बैठा रहा, तो फिर इन लोगों ने पता नहीं किस जज से कैसे वो आरोग्यम का ले लिया। अरे भैया आरोग्यम में उनका इलाज हो जाता तो आज भी एम्स क्यों जाते, माधव बाग में जब थे और वो उनका शरीर इंप्रूव हो रहा था, स्वास्थ्य लाभ कर रहे थे, एम्स जाने की जरूरत पड़ी क्या, पड़ती क्या? ये जो खेल चल रहा है उसको बताने के लिए मैं आया हूँ, सिर्फ सुनाने के लिए आया हूँ, मैं सिर्फ इतना ही कर सकता हूँ। मेरे मतलब मेरी जो संवेदनाएं हैं, जो मेरी जो चेतना है, या मेरी जो हिंदी में कहूँ तो औकात है, सिर्फ इतनी है कि संत शिरोमणि आसाराम बापू के साथ जो षड्यंत्र चल रहा है, जो दिखता है उसको बताने के लिए आया हूँ, नहीं तो मैं नहीं आता। ये आज फिर एम्स चले गए हैं, आरोग्यम में क्या कर रहे थे, क्यों ले गया था, आरोग्यम में क्या इलाज होता है, माधव बाग में क्यों नहीं बापू को फिर से ले जाया जा रहा है, इसके लिए संघर्ष क्यों नहीं हो रहा है, या माधव बाग से उनको क्यों निकाला गया, सवाल तो करें, पूछे तो सही। एक संत के जिंदा शरीर को इतनी पीड़ा दी जा रही है कि वो खत्म हो जाए, क्या यही षड्यंत्र है? अभी बात करते करते पता चला कि बापू को एम्स वालों ने कहा कि वापस ले जाओ इनको, क्योंकि ये ठीक है, ठीक है मतलब वो तो कराएंगे नहीं ना बापू, संत शिरोमणि आसाराम बापू तो अपना सीना चिड़वाएंगे नहीं, बाईपास करवाएंगे नहीं, तो एम्स क्या करेगा, उसके पास कौन सा इलाज है ब्लॉकेज का? तो फिर ये लोग आरोग्यम ले गए, आरोग्यम में तो बड़े आराम से बापू को स्टेरॉइड्स तो कंटिन्यू दिया ही जा सकता है, आरोग्यम तो अपना अस्पताल है ना, मीरचंदानी का खरीदा हुआ, आरोग्यम में क्या है था भाई,
सुबह बापू को एम्स ले जाते हैं, कुछ तो मेजर बात हुई होगी। आरोग्यम ने कहा, क्या कहा? और दोपहर बाद फिर वापस आरोग्यम एम्स से, क्या हुआ नहीं हुआ, इसकी सत्यता कितनी है मुझे बतानी पड़ेगी आप लोगों को बहुत डिटेल। जो सोर्स है वो हमारे साथ आते नहीं है, बम बम जी आते हैं, मैं उनसे कहता हूं उनको कि बम बम जी आप लोगों को भी कुछ खबर है तो बताइए, ऐसा क्या हो गया कि बापू दिन में एम्स गए, कौन सी पीड़ा हुई उनको, और फिर वहां वापस फिर आरोग्यम चले गए। बापू ही जानते हैं, उनका हृदय जानता है, उनकी लीला जानती है, मैं क्या बता सकता हूँ। या परमपिता परमेश्वर जानते हैं, ईश्वर जानते हैं, हमें भी थोड़ी पीड़ा होती है, इसलिए मैं आता हूँ बात कर लेता हूँ। आप लोग साधक कोई सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, कुछ कर सकते हैं तो और बात है। वो फंस गए हैं कॉकस में बापू, बहुत बड़ी षड्यंत्र, बहुत बड़ा षड्यंत्र, बहुत बड़ी साजिश जो रही होगी, उस सिमट के वो पावर उनके आसपास के लोगों के हाथों में आ गई है, ऐसा मुझे लगता है। और ये लगातार लगातार दिखता जा रहा है, इसकी परिणति, इसका परिणाम क्या होगा मुझे पता नहीं। कोई अमृत पी के आया नहीं, शरीर है तो वो जाएगा, उसकी रक्षा होनी चाहिए संत की, पता नहीं। आप उस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, साथ रहिए, साथ दीजिए। और सनातन की आवाज में अपनी आवाज मिलाइए, वो सिर्फ साधकों के गुरु नहीं है, वो भारत के सनातन समाज के, विश्व के सनातन समाज के वो एक बापू पे ध्यान दीजिए, ये मैं कह रहा हूं, वो खतरे में है। जय सियाराम, हरिओम।